जय भीम नवबुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। आज की ही न्यूज़ है और न्यूज़ में हमें ये बताया गया है कि राम मंदिर का निर्माण करते वक्त जगह की उस जगह पे कुछ काम चल रहा था और उस काम चलते समय उस समय कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने ये बताया है कि वहाँ के कुछ शिवलिंग मिला है और वो भी इस तरीके से बताया कि नक्शी युक्त शिवलिंग मिला है। वो क्या है वो हम देखने वाले हैं आगे। कुछ स्तंभ मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली है। तो लगभग ये जो बातें बताई गई है, ये जो काम चल रहा है, ये काम ठीक से, मतलब हम ये कह सकते कि वो पूरी तरीके से खुदाई नहीं चल रही है। ये जस्ट काम चल रहा है मलबा उठाने का या इस तरीके से काम चल रहा है, उसमें ये सब अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। अभी जब इसकी आज की न्यूज़ आई है तो मैं आपकी न्यूज़ की बातें भी बताना चाहता हूँ आपके साथ। एक अमर उजाला नाम का अमर उजाला नाम का वेब पोर्टल है, ये न्यूज़ का वेब पोर्टल है। इनकी इंफॉर्मेशन्स में ये राम मंदिर में जो अवशेष मिले उसके बारे में बताया गया है। तो उसको ये बताया जाता है कि वहाँ पे खंडित मूर्तियाँ मिली है और वहाँ पे उन सब जगह का ये कहा गया है कि राम मंदिर परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण कार्य जारी है। इसी दौरान की जा रही खुदाई में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राम जन्मभूमि परिसर के पुराने गर्भगृह स्थल के समतलीकरण का कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में 11 मई से चल रही है। और उन्होंने ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। लगभग ये सब देखने के बाद ये पता चलता है कि दोस्तों, वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद कई सारे न्यूज़ पोर्टल है, उन न्यूज़ पोर्टलों ने इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। और जैसे कि इंग्लिश का जो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, उन्होंने भी कहा रिमेंस ऑफ एंशिएंट टेंपल शिवलिंगा आइडियल्स फाउंड ऑफ अयोध्या टेंपल साइट। अभी इसमें जो उन्होंने फोटोज़ दिए हैं वो फोटोज़ भी आपको बाद में बताया जाएगा। थोड़े हम राम ये जो विवाद चल रहे हैं, जैसे कि हम देखते ये विवाद चल रहे हैं, उस विवाद में कहीं पे भी हमें राम मंदिर का निर्माण करते समय राम मंदिर का एविडेंस मिलता नहीं है। लगभग इसका जो खुदाई हुई है, इस खुदाई के बारे में आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट है 1962 का आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट है। वो जो रिपोर्ट आप पढ़ी है, उस रिपोर्ट में कनिंग हमने जब वो रिपोर्ट किया था, उत्खनन करके दिया था, तो उन्होंने किसी भी बातों को सामने रखते समय इतने बहुत ध्यान से वहाँ पे ये कहा गया है कि एक्चुअली ये क्या है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में वहाँ पे कुछ ये कहा गया है कि वहाँ पे जो बांधकाम है वो बांधकाम, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो काम किया हुआ है और गाँव में वहाँ पे जो गाँव में बहुत सारे काम किया है, घरों का काम किया हुआ, उस घरों में इस साकेत से कुछ पुराने अवशेष लेकर गए हैं। ये आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट कहता है। जब आप पढ़ोगे इसको ध्यान से पढ़ोगे, आर्कोलॉजिस्ट रिपोर्ट 1962-1963 का पेज नंबर 321 आप ज़रूर ध्यान से पढ़ो। इसमें ये बातें सीधी तौर से बताई गई है। और जब भी आप इस अयोध्या के बारे में पढ़ते हैं, तो अयोध्या के बारे में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ के जो एक पुरातत्व विभाग के विशेष विभाग के तज्ञ थे, उन्होंने ये कहा था, उनका आर्कोलॉजी एंड इंडियन ट्रेडिशन पुरातत्व, इनके अलग अलग भागों में उन्होंने इसका विश्लेषण किया है। लगभग ये जो बातें हैं, तो ये इन्होंने एम सी जोशी नाम के जो पुरातत्व तज्ञ है, इन्होंने ये बातें कही है। अयोध्या में जितनी सारी एविडेंस मिल रहे हैं वो लगभग बुद्ध काल के हैं, बुद्धकालीन अवशेष है। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ पे राम का मंदिर कहा जाता है वो अयोध्या, वो सरयू नदी के तट पर थी, ये तो बिल्कुल है।
अभी अयोध्या को भगवान बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वहाँ पे भगवान बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गए थे। अभी ये जो अयोध्या है ये ईसा ईस्वी सन 5वीं शताब्दी में हुए कालिदास ने लिखी हुई रघुवंश नाम के महाकाव्य में इन्होंने अयोध्या, कभी अयोध्या नाम को उल्लेख किया है, कभी साकेत उल्लेख किया। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि आखिर ये प्रश्न निर्माण होता है तो ये स्थान जो बौद्धों का महानगर या बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र हुआ करता था वो साकेत तो नहीं है। कई आर्कोलॉजिकल सपोर्ट जब कोर्ट में पेश किया गया ये सब आर्कोलॉजी, तो कोर्ट ने इसको नज़रअंदाज किया है, कम्प्लीटली बायकॉट किया है कि दोस्तों ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि हमारा एविडेंस जो है, हमारे जो पुरातत्व विभाग, हमारे जो मिट्टी में मिले हुए पुरातत्व अवशेष है ये इस तरीके से ही बदला जाता है। कभी आप म्यूजियम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बौद्धकालीन मूर्तियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि काम्य स्तूप रहेगा तो उसको शिवलिंग बताया जाता है। तो दोस्तों ये एविडेंस हमें पता चलना चाहिए, हमें इसका स्टडी करना ज़रूरी है। अभी हम ये कह सकते हैं कि दीघ निकाय जब हम पढ़ते हैं, दीघ निकाय में हमें ये स्पष्ट तरीके से समझ में आता है कि तथागत आनंद को तथागत ये कहते कि जब महापरिनिर्वाण तथागत का समय आता है महापरिनिर्वाण का, तो आनंद तथागत को कहते कि यानी उस महानगर में जाने की विनती कहते कि हमें उस महानगर में जाना है। तो उस समय महानगर कौन कौन से थे तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। उस समय जो महानगर थी वो महानगर कम से एक तो चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी, ये उस समय महानगरी हुआ करती थी। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण जहाँ पे हुआ ये है वो जो एरिया था वो कुशीनगर आता है। उस समय जनपद हुआ करती थी, हमें पता है बुद्ध पूर्व कालखंड में 16 जनपद है। तो उसमें 16 जनपद में हमें यह नज़र में आता है काशी है, कौशल है, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अशक, अवंती, गांधार और कम्बोज, इन नाम की जनपद थी। शहरे, निगम और गांव इस तरीके से, और महानगर इस तरीके से अन्य जगहों पे अन्य इंफॉर्मेशन भी पाई जाती है। तो दोस्तों तथागत अपनी 45 साल की चारिका करते करते तथागत यहाँ पे गए हैं, इसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी साकेत की जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है तो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि किस तरीके से भगवान बुद्ध बुद्ध बने हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना धम्म लोगों तक पहुँचा है। उसके बाद भगवान बुद्ध श्रावस्ती, साकेत से लेकर श्रावस्ती का जो उल्लेख आता है ये हमें सुत्त निपात में, पारायण वग्ग में, वत्तु गाथा में प्राप्त होता है। वहाँ पे साकेत के कुछ वर्ड्स है। तो दोस्तों हमें लगभग कई जगह पे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। वैसे विनय पिटक में भी श्रावस्ती और साकेत का जो मार्ग है वहाँ पे उस वहाँ का इंफॉर्मेशन बताया कि किस कारण भिक्षु साकेत की तरफ से साकेत से श्रावस्ती जाते थे, इसके बारे में आनंद ने अतिरिक्त चीवर सारिपुत्र को देने के लिए साकेत में गए थे। वैसे कि पाथेयक भिक्खु बुद्ध के साथ वैशावास बिताते थे, तो श्रावस्ती जाने के लिए श्रावस्ती को निकले लेकिन वो समय से नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे कई वहाँ पे बातें हुई है। तो उस समय में वर्षावास के टाइम पे बौद्ध भिक्षुओं को साकेत में जाने के लिए वो जो प्रवास है, वर्षावास का जो प्रवास था उस समय, वो हमें ये कह सकते हैं कि उस समय वर्षावास में जो प्रवास किया करते थे भिक्षु, तो उनको पाबंदी लगाई गई। जैसे कि वर्षावास में ये नियम बनाया गया कि आप कहीं पे भी चारिका करने के लिए बाहर मत जाइए। तो ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। तथागत ये कहते हैं कि जब ये सब होता है, जब तथागत का लोग यहाँ पे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है कि किस तरीके से साकेत का जो उस समय का मार्ग था उसके बारे में बातें हमें उसमें पाई जाती है। अभी ये जो हम बात कहते हैं कि साकेत शहर सरयू नदी के तट पर है, उस ये बताया गया है कि
वो जो अंजन वन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्य रुके थे। अभी अयोध्या जो है वो सरयू नदी चा सरयू नदी के पात्र से 1.5 योजन यानी कि 15 मील अंतर पर है, और सरयू नदी ऋग्वेद में पाई जाती है सिंधु नदी के पश्चिम साइड में। हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम साइड से वो बहती है, पश्चिम साइड को मुँह करके वो बहती है। तो ये सबक हमें देखने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सरयू नदी है वो सरयू नदी उत्तर से नीचे की तरफ गंगा को मिलती है और वहाँ के साकेत अयोध्या है। अभी अयोध्या नाम किस तरीके से पड़ा इसके अगणित वहाँ पे इंफॉर्मेशन से, जैसे कि ब्राह्मणी साहित्य ने इसको खुद लिखा है, हम ये नहीं कहेंगे, ब्राह्मणी साहित्य ने इसको खुद लिखने का प्रयास किया है। तो जैसे कि पतंजलि यानी पाणिनि के व्याकरण पर भाष्य करने वाले महाभाष्य नाम का ग्रंथ ईसा पूर्व 2 शताब्दी में लिखा गया है। उसके बाद जो मिनिंदर था इन्होंने माध्यमिक और साकेत पर उन्होंने अपना राज किया था, इसका भी हमें पाया जाता है। मथुरा जैसी कृष्ण जी की द्वारका बताई जाती है, पुराण में भी साकेत का उल्लेख आता है। लगभग ये सब कुछ देखने के बाद ये पता चलता है कि ये जो सारी चीज़ें इन्होंने बताई गई है तो ये लगभग इन्होंने ही सब कुछ इसमें सच कहा है। अभी हम जब भी ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं तभी हमें ये बताया जाता है कि दोस्तों सच्चा इतिहास आखिर है क्या। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त हो गए, नवंबर 1861 से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, मेजर जनरल पद पर उन्हें बढ़ती मिली थी। तो उस समय उस जगह पे उत्खनन हुए थे, तो कनिंघम इन्होंने हुनसन और फाइहान इनकी जो ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन थी वो पढ़कर उन्होंने बहुत सारी जगह पे उत्खनन किया हुआ है। अभी ये बताया जाता है कि बुद्ध के हयात में ही, मतलब बुद्ध के काल में ही बुद्ध के शरीर के जो अवशेष होते थे, जैसे कि बाल है, नाखून है, इसको जतन किया जाता था, या बुद्ध का जीवर भी है तो उसे लोग जतन किया करते थे, मतलब एक जगह पे रखकर उसकी पूजा करते थे। तो ये जो स्तूप बांधे जाते थे उस समय, ये स्तूप बांधने की भी परंपरा थी और हमें ये भी पता चलता है उस समय में। तो साकेत का जो स्तूप था, साकेत में एक स्तूप है और ये स्तूप माटी के ढिगारों की तरह से पाया गए हैं, मिले हैं एविडेंस तौर पर मिले हैं, लेकिन ये कभी बताया नहीं जाता दोस्तों। तो ये जो साकेत के जो स्तूप है, ये स्तूप पे जो दगड़ बीटों का जो बांधकाम किया गया था दोस्तों, लगभग हमें ये सब देखने के बाद, और ये साकेत में ऐसे बहुत सारे स्तूप हुनसंग इसने देखे हैं, तो उन्होंने अपने ट्रैवल बुक में ये सब लिखा हुआ है, तो हमें ये भी उसकी जानकारी मिलती है। लगभग महाभारत और रामायण के काव्य साबित करने के नाद में बुद्ध को जमीन से बाहर निकालने का प्रयास, वो भी महाभारत और रामायण सिद्ध करने से, 1947 से लेकर 2003 से जो कोशिश की जा रही थी उसमें उन्होंने तो राम का कोई सत्य मिला नहीं, लेकिन बात यह है कि जो खुद ब्राह्मण जाति से है, मैं जाति का नाम उल्लेख नहीं करना चाहता था लेकिन जबरन इसको करना पड़ता है, कि जो ब्राह्मण जाति से थे M.C. जोशी, इन्होंने आर्कोलॉजी एंड इंडिया ट्रेडिशन पुरातत्व, ये जो कुछ इसमें जो लिखे हुए अनगिनत पार्ट है, तो इन्होंने उसमें विश्लेषण किया है। अभी अयोध्या में आप आएंगे तो अयोध्या में मणि पर्वत नाम से भी पहचाना जाता है, एक जिसे हम नैसर्गिक निसर्ग यानी कुदरती प्रकृति से रचे हुई टेकड़ी कहा जाती है जाते, लेकिन ये मानव के निर्माण किया हुआ टिकड़ी है और उसके वीटे हैं, वो वीटों से बना हुआ है, उसकी ऊंचाई लगभग 65 फुट थी, उनकी जो ईंट थी वो ईंट 11 इंच की ईंट थी, जाड़ी उसकी 3 इंच की थी यानी 3 इंच की है। तो लगभग ये सब देखने के बाद जो बताया जाता है कि मणि पर्वत है, उसके बाद ये भी बताया जाता है कि कुबेर पर्वत है, लगभग उसी के से 500 फुट दूरी पर कुबेर पर्वत माना जाता है, ये भी दोस्तों एक स्तूप है। और जब इसको हम ध्यान से देखोगे तो हुनसांग ने जो अपना ट्रैवलिंग
बुक लिखा है, तो उन्होंने यहाँ पे काला काराम विहार नाम का उल्लेख साकेत में था, ऐसा किया है। अभी हम देखने के बाद हमें पता चलेगा कि अशोक ने 200 फुट का एक स्तूप यहाँ पे बनाया था, इसके एविडेंस हमें पाया जाते हैं। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे उपदेश दिया था, यहाँ पे एक स्तूप का निर्माण किया गया। आज उसे लोग विभिन्न नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है और हमें इसके बारे में जानना होगा। लगभग कई इतिहासकारों ने भी इसके ऊपर कहा गया है कि यहाँ पे जो स्तूप थे वो बुद्ध के नाखून और बाल के ऊपर बनाए गए हैं। ये स्तूप थे, ये शरीर धातु के स्तूप थे। तो लगभग यहाँ पे हम देखने जाएंगे तो इस ताला मतलब यहाँ पे वहाँ पे गणेश कुंड, उसे गणेश कुंड या कोई इमाम तालाम भी कहता है, लेकिन बुद्ध के केश और नाखून के ऊपर पाए जाने स्तूप के बाजू में ये तालाब है। दोस्तों ये सच्चाई है, कनिंग हमने इसको बहुत आसानी से बताया है। और जब दो हम ये बात कहेंगे कि बहुत सारे बाबरी मस्जिद के नीचे त्रिरत्न चिन्ह प्राप्त हुई, कई मिट्टी की बर्तन पाए गए हैं, तो वहाँ पे कुछ मुद्राएं पाई गई है। वहाँ पे जब हमारे भावी कुलकर्णी नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने 11 अगस्त 2004 में महाराष्ट्र टाइम्स में एक मराठी में एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने ये कहा गया है कि मस्जिद बाबरी मस्जिद और ये मंदिर के नाम पे, उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये जो उत्खनन होता है, ये जो उत्खनन इसलिए होता है कि हम बहुत सारे उत्खनन में हमें ये पता मिलता है कि यहाँ पे कुछ बुद्ध अशोककालीन अवशेष मिले हैं, अशोक के कालीन बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो ये खुद कुलकर्णी ये भी कहते हैं कि हुनसांग फाइयान के ट्रैवलिंग बुक में बहुत सारे इंफॉर्मेशन खुद बताई गई है। तो दोस्तों अभी ये तो बहुत बड़ा है, तो उसमें और ये जो भावी कुलकर्णी ये भी कहते हैं कि जब भी हम जमीन को खोदते हैं तो इतिहास के लिए नहीं है, तो ये हम जमीन को इस जमीन में इसके लिए खुदाई करते हैं कि इतिहास को प्रूव करने के लिए नहीं, तो एक गंदी राजनीति के लिए हम इस जमीन में खुदाई करते हैं। तो ये भी सच्चाई है दोस्तों, और जब हम सामने देख रहे हैं अभी आपके सामने, तो मैंने बताया गया कि अयोध्या क्या थी क्या नहीं थी इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन ये जो पाए गए अभी अवशेष पा रहे हैं दोस्तों, ये अवशेष बुद्ध विहार के हैं। ये कोई भी पुरातत्व विभाग का विद्यार्थी हो, तज्ञ हो, ये मानने के लिए इनकार नहीं कर सकता। बहुत सारे आज जो जिसे कहा गया है कि शिल्पांकित शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो लगभग दोस्तों ये जो शिल्पांकित शिवलिंग का जो चक्र बताया जाता है ना, तो ये बुद्ध गए में आप जाएंगे तो चक्रमन पद के यहाँ पे एक उस तरीके से सिमिलर वहाँ पे एक चक्र आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये है सच्चाई, और जो झूठी बातें फैलाई गई है तो इसको ध्यान से पढ़ो, देखो और सच्चाई को सुनने की कोशिश करो। ये जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़ की तरफ मिलती है दोस्तों, तो ऐसे ही न्यूज़ में हमें ये बातें बताई गई थी कि किस तरीके से यहाँ पे क्लेम किया जाता है कि ये राम मंदिर था, तो ये राम मंदिर ना ही यहाँ पे राम मंदिर था, तो ये बाबरी मस्जिद बाद में बनी है और जिस ढांचे पर बनी है उस ढांचा बुद्ध विहार का है। लगभग पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया में जब हम पढ़ने जाएंगे, देखने जाएंगे, उसका स्टडी करेंगे, तो हमें ये पाया जाता है कि मणि पर्वत, कुबेर पर्वत, ये दो स्तूपों का निर्माण हुआ था उस समय में। तो वो जो स्तूप थे उस ये हमें इतिहास में प्रूव होता है, लेकिन बात ये होती है कि हमारे जो बौद्ध बांधव है, ये बौद्ध बांधव आज उनसे हम ये कह सकते हैं कि वो अनजान है इस बातों से, ना तो उनको इस बारे में जानकारी है, ना तो इसके बारे में कभी वो जानने का प्रयास करते कि क्यों हमारा इतिहास मिटाया जाता है। आज जब पूरे भारतवर्ष में हम देखने जाएंगे दोस्तों, तो हमारा इतिहास इसी तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा है, और हमें इसके बारे में कुछ चिंता नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ पड़ी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति खेलते बैठे हैं। और जो हम ये साफ तौर से करना चाहता हूँ कि दुनिया भारत भर में जितने सारे बौद्ध अनुयायी है, अगर आपको धम्म का महत्व समझा नहीं, धम्म का इतिहास के बारे में समझा नहीं, तो याद रखना आने वाली पीढ़ी तुम्हारी, ये जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी गुलाम बनकर जिएगी, और इसका इतिहास है जो पीछे जाके पढ़ लो, तुम्हारी पीढ़ियाँ, तुम्हारी जो पिछली पीढ़ी किस तरीके से गुलाम बनी है। तो बाबा साहब तो हर बार आएंगे नहीं, तो इसलिए ध्यान से सोचो और इस
धरोहर को बचाने के लिए, अपने इस धरोहर को बचाने के लिए एटलीस्ट अभी जितने सारे अपने धरोहर बचे हैं उनको तो बचाने की कोशिश करो। अगर इस मिशन में काम करना है दोस्तों तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में भी इसके नंबर से इस नंबर पे कॉल करो और भारतवर्ष में स्टेट बाय स्टेट हम एक दूसरे को कनेक्ट करके रहेंगे, तभी हम आपको इस भारत का हमारे इतिहास को जीवित रख सकते ताकि आने वाली पीढ़ी को सच्चाई पता चले। सच्चाई पता चलेगी तो ही आगे जाके वो अपनी उन्नति कर पाएंगे, नहीं तो उन्हें इसी तरीके से दबाकर कुचलाकर गुलाम बना जाएगा। तो दोस्तों इसी हमारे इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए आप सभी इसका सहयोग करें। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसे न्यूज़ है, ये न्यूज़ हम देखते हैं, देखने के बाद हमें ये पता चलता है। लगभग आप सारे फ़ोटोज़ देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत सारे फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये एविडेंस है यहाँ के बुद्ध विहार के, ये सब एविडेंस है। और ये सब एविडेंस हमें कहाँ पाए जाते हैं तो मैं इसके एविडेंस थ्रू आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करूँगा। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों कि ये जो साकेत है, इस साकेत के बारे में फुल्ली डिटेल्स एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में हमें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो साकेत नगरी है, ये साकेत बुद्धकालीन नगरी है और यहाँ पर बुद्ध की ही अवशेष है जिसे अयोध्या माना गया है। ना यहाँ पर राम का जन्म हुआ है, ना ही यहाँ पर किसी अल्लाह का जन्म हुआ है, ना ही किसी पैगंबर का यहाँ पे जन्म हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ है। तो बुद्ध के भारत में जन्म होने का ये पुख्ते सबूत है, यहाँ पे बुद्ध धम्म के पुख्ते सबूत है। बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ होगा, फिर भी नेपाल उस समय भारत का एक हिस्सा था। उसके बाद तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति बिहार में पाई गई है और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर तथागत बुद्ध ने अपने 45 साल की चारिका में, 45 साल में धम्म का ज्ञान जन जन में बांटा है। तो दोस्तों ये सच्चाई है और ये सच्चाई आपको अनसुनी नहीं रह सकती, कभी ना कभी इसके बारे में बात करनी पड़ेगी और आपको ये सुनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई के साथ हम आगे बढ़े तो दोस्तों ज़रूर एक साथ मिले। आप किसी राजनीति में राजनीति करते इससे कुछ मतलब नहीं है, आप किसी पक्ष में काम करते इससे कुछ मतलब नहीं है, धम्म के लिए आगे बढ़ो। यह धम्म ही मानव मुक्ति का मार्ग है, धम्म जो है दुख मुक्ति का मार्ग है और इस दुख मुक्ति का मार्ग जन जन तक पहुंचाने के लिए इस धरोहर को बचाना ज़रूरी है। इस धरोहर को जब हम बचाएंगे तब हमारा इतिहास हम प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस तरीके से अयोध्या में मिले पाए गए बुद्धिस्ट अवशेषों के बदौलत फिर भी आज हम उस पर क्लेम नहीं कर सकते, तो ये कह सकते कि ये हमारी बहुत ही शर्मनाक हार है और इस हार को और किसी जगह पे ना हो जाए इसके लिए साथियों एक साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी तरीके से नए नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर कर लीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो दोस्तों हर घर में पहुँचाने की कोशिश कर लीजिए ताकि लोगों को पता चले इतिहास अपना क्या है, सच्चाई क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।